साल 2024 की बात करें तो इस साल के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर किसी भी एसेट ने दिया तो वो बिटकॉइन ने दिया है। यानी कि ऐसी कोई और मार्केट नहीं है जिसने इतना बड़ा प्रॉफिट दिया हो, और ये 49.2% का प्रॉफिट 2024 साल के अंदर, जो कि अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं, जो कि एक्चुअल में 9-10 महीने हुए हैं। और एज कम्पेयर टू दीज, अगर हम बाकी चीज़ों का देखते हैं तो प्राइस इतना कोई खास नहीं बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट है, फास्टेस्ट प्रॉफिट मेकिंग ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसको आज अगर आप ले लेते हो, या फिर क्रिप्टो करेंसीज में से एक ही अगर आप अच्छे कॉइन्स ले लेते हैं तो आपको ये डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट देने ही वाले हैं। तो इसी के बेसिस पर आज हम 5 कॉइन्स भी डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बिटकॉइन को और समझेंगे, थोड़ा डीपली समझेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। वैसे तो सब कुछ ही पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि वैसे भी ये अक्टूबर है, अक्टूबर महीने के अंदर हमेशा अच्छे प्रॉफिट मिलते ही मिलते हैं। इसी के साथ आपको पता ही है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं यूएस के, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट इलन मस्क से मिलने वाला है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो तब भी एक श्योरिटी मिल जाएगी कि जो क्रिप्टो है इसको और भी आगे ले जाया जाएगा, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ ट्रंप और इलन मस्क हैं जो कि इसको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर रॉबर्ट कियोसाकी एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो उनके द्वारा इतनी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं दिखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट दिखाई है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो ये जो यूएस का इलेक्शन होने वाला है, इसके जो भी रिजल्ट्स होने वाले हैं, इसके बेसिस पे बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इसी के साथ फेडरल रिजर्व बहुत ही जल्द मिनट्स रिलीज करने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के ऊपर, और अगेन सीपीए का इंडेक्स क्या रहता है, यहाँ पे टारगेट्स क्या रहते हैं, डिसीजन क्या रहता है, तो ये डाटा भी सामने आने वाला है जो कि 10 तारीख को आएगा, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा वेट है। तो इसके बेसिस पर मार्केट में एक हमें बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि आज आपको मैं 5 कॉइन्स बताने वाला हूँ जो आप अभी बाय कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स हैं, बिलो $2 के आसपास हैं, बहुत ही छोटे वैल्यू के हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन्स इन द वर्ल्ड हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार तो वॉल्टवुड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्टवुड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। आपको हर एक अपडेट वहीं पर मिलने वाली है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चाहे आप ट्विटर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा पुश जो मिलने वाला है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मिलने वाला है, यानी कि अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के ऊपर, खासकर बिटकॉइन मूव होगा। और बिटकॉइन को देखते हुए यहाँ पे हर तरह के कॉइन्स बढ़ने वाले हैं, चाहे हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैसे भी कॉइन्स को ले लें, चाहे मीम कॉइन्स ले लें, उसमें भी हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलने ही वाला है। और ETFs की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि ऑलरेडी पहले टोटल फोर्स $4.3 बिलियन हो चुके हैं। इस वक्त आप नहीं जानते तो माइक्रो स्ट्रेटजी, ब्लैक रॉक, इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, पूरे दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक जो है, इन्होंने बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स बनाई हुई हैं। तो यही कारण है कि क्रिप्टो मार्केट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है। अगर आप फियर एंड ग्रीड देखोगे तो न्यूट्रल ही दिखने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यहां से एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो 5 कॉइन्स की बात करें तो यहां पे जो सबसे पहला कॉइन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो यह FTT कॉइन, FTX एक्सचेंज का FTT कॉइन, क्योंकि यहां पे रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रीपेमेंट्स करी जा रही हैं। रीपेमेंट प्लान जो है स्केड्यूल किया गया October 7 के दिन, यहाँ पे एक्चुअल हियरिंग हुई है, तो यहाँ पे इनकी जो रीपेमेंट्स की वजह से जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा वापस मिलने वाला है। इस चीज़ को हम वज़ीरेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। वज़ीरेक्स का तो एक बहुत ही अलग मसला है, यानी कि वज़ीरेक्स सॉल्व होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन FTX ने यहाँ पे कई सालों की प्लानिंग बनाई है कि यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं इनको पेमेंट्स वापस करी जाएंगी। तो ये रीपेमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है कि अभी इससे रीस्ट्रक्चरिंग भी होने वाली है FTX एक्सचेंज की। FTX एक्सचेंज वापस आएगा मार्केट में, और FTT का जो प्राइस है आप ऑलरेडी देख सकते हैं $2.5 तक पहुंच चुका है, और यहाँ पे जो एक महीने के अंदर 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल चुका है, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक अच्छा प्रॉफिट FTT में अभी भी पा सकते हैं। दूसरे कॉइन की बात करें तो यह मंत्रा कॉइन, जिसका ओम के नाम से कॉइन है, मंत्रा का मेननेट आने जा रहा है, तो मंत्रा की वैल्यू अभी $1.5 के आसपास चल रही है। ऑलरेडी एक महीने के अंदर इसने 60% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, लेकिन जो न्यूज़ है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, यानी कि जो एक्चुअल में इसके अपडेट आने वो अभी बाकी है। तो ये मेननेट इसी महीने के एंड में होने वाला है, यानी कि आने वाला है, जो कि लाइव कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अभी हम इसका प्राइस यहाँ से डबल तक देख पा रहे हैं। कि अगर आपको ये मंत्रा का कॉइन, ओम के नाम से जो कॉइन है, अगर ये मिल जाता है $1 के आसपास, तो ये डेफिनेटली बाय ज़रूर करना। इसमें आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली 100% का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, यानी कि प्राइस यहाँ पे डबल हो सकता है।
तीसरी कॉइन की बात करें तो यह है सुई कॉइन। अगेन इसने भी बड़े प्रॉफिट्स दिए हैं, लेकिन पोटेंशियल इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अभी $2 क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये $3 तक बहुत ही ईजिली जा सकता है। तो सुई कॉइन का मेन रीज़न ये है कि जैसे आपने देखा होगा टॉन ब्लॉकचेन में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए हैं। सिमिलरली अगर हम सुई की बात करें तो सुई में भी अभी बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसका इकोसिस्टम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुई का अभी जो मार्केट कैप है और भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। करंटली इसका मार्केट कैप के हिसाब से रैंक 19 के आसपास चल रहा है, 24 आवर्स की वॉल्यूम देखें तो 10 रैंक के आसपास चल रहा है। तो ये डेफिनेटली टॉप 10 कॉइन्स में से एक आने वाला है, बिल्कुल जैसे अभी टॉन कॉइन चल रहे हैं। तो सुई में आप जितनी ज़्यादा होल्डिंग सोर्स आप बना सकते हैं। अब हम चौथे कॉइन की बात करने वाले हैं, ये है कार्डानो का आडा कॉइन। अगेन एक ऐसा कॉइन जिसने कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट अभी तक नहीं दिया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, 11th पोजीशन के आसपास चल रहा है, 0.35 यानी कि 40 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो यहाँ से डबल तो बहुत ही आसानी से होने वाला है, लेकिन ये $1.5 को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसका ऑल टाइम हाई $3 तक गया हुआ है पहले, लेकिन यहाँ से अगर ये $1.5 या $2 तक भी जाते हैं तो आपका बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। तो कार्डानो में हमेशा हमारा विश्वास पहले भी रहा है, आज भी रहेगा। कार्डानो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन रहा है, बिल्कुल जैसे हम सोलाना को पहले बाय करते हैं। सोलाना अभी भी लिस्ट में है, लेकिन सोलाना की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। जब भी प्राइस नीचे जाता है 140 या फिर उससे नीचे जाए, तो सोलाना में आप हमेशा और भी ज़्यादा थोड़ा DCA करके बाइंग कर सकते हैं। हमारा जो पांचवा कॉइन है ये है XRP। तो XRP वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जिसको सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं। XRP का यूज़ किया जा रहा है इंटरनेशनली, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में रिमिटेंस भेजने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स ने रिपल के साथ पार्टनरशिप्स करी हैं, तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं इस रिपल को। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि XRP में हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आपको याद होगा कि इसमें शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इसका जो लॉसूट हुआ था, लॉसूट की वजह से इसका प्राइस नीचे डाउन जाना शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका प्राइस बिल्कुल डंप हो गया। उसके बाद भी हमने देखा कि इसका प्राइस हमेशा ऊपर चलता ही रहा। तो 2020-21 में थोड़ा बहुत प्राइस नीचे गया था, तो अभी भी $0.5 के आसपास है। तो यहाँ पे आपको $1.5-$2 तक की वैल्यू एकदम से मिलने वाली है जैसे ये बुल रन आएगा, जैसे BTC ऊपर जाने वाला है। तो BTC के $70,000 को क्रॉस करने के साथ साथ हमें ये जो पांचों ऑल्ट कॉइन्स हैं बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम मीम कॉइन्स की बात करें तो उनमें भी नो डाउट एक बड़ा प्रॉफिट ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कैटिजन का कैट्स ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हुई, $1 से भी ऊपर उसकी वैल्यू है। हैमस्टर कॉम्बैट की बात करें तो उसमें थोड़ा घपला हो गया, ना तो उतना एयरड्रॉप मिला और ना ही उतना प्रॉफिट मिला उसमें, यानी कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई भी मीम कॉइन या ऑल्ट कॉइन के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर, नीचे कमेंट जरूर करो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी अपने बेस्ट 5 कॉइन्स होल्ड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिनको वो होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आने वाले समय के अंदर साथ के साथ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो जितने भी आपको कॉइन्स अभी बताएं सारे के सारे फंडामेंटल्स हैं, लेकिन एक बार आप अपनी खुद रिसर्च जरूर करना, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने देखा है सभी के सभी बहुत ही स्ट्रांगली फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, और इनके जो इवेंट्स आ रहे हैं वो एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। XRP की अगर हम बात कर लेते हैं या फिर कार्डानो की बात कर लेते हैं जो अपना एक नया रोड मैप लॉन्च करने वाला है, नए अपग्रेड्स लाने वाला है, नेटवर्क में स्केलेबिलिटी बढ़ाने वाला है, तो कार्डानो की एक्सेप्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सिमिलरली मंत्रा का आपको बताया कि मेननेट आने वाला है, FTX में आपको एक बड़ा अपडेट दिख रहा है। तो ये सारे के सारे कॉइन्स बहुत ही प्रॉमिसिंग कॉइन्स हैं। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब वॉफ्ट चैनल, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंच रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।